A very good afternoon to everybody. I couldn't hear that clearly. A very good afternoon to everybody. Fantastic. I'm going to talk about what does it mean to be a doctor? What does it mean to have a success? कोशिश करूंगा कि आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल जो भी जरूरत हो उस लैंग्वेज में आपसे मैं वार्तालाप कर सकूं. It's important to understand who's speaking. What do I have to say here? When I stand here, 10 minutes back, I had just said bye to my friend because he wanted to be here, but then his call to take care of somebody's weak heart is more important than being in this place where he wants to be. That is what a doctor is all about. Somebody asked a brigadier, sir, what is the disadvantages of being in an army? And then I will say, what is the disadvantage of being an army or in a doctor? Is you do not have your personal life. When you are in the position, when you are in that, suit of being a doctor or in a soldier, you don't have your own personal choices. आपको अपने देश के लिए काम करना होता है, आपके आपको अपने citizens के लिए काम करना होता है, आपकी अपनी लाइफ नहीं होती है. मैं डॉक्टर के अंदर जाने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक रखा है हमारे शफी साहब ने एंड बाकी पूरे मैनेजमेंट लोगों ने, मीट द मेंटर्स. आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूं उसका रीजन में और मेरी एक चाहत अकेले नहीं है. सो वी नीड टू नो व्हाट अ सक्सेस इज. सक्सेस हर किसी को चाहिए होती है, वी ऑल वांट सक्सेस, बट हम सबको वो सक्सेस डिफाइन करनी होती है. एंड उस सक्सेस को डिफाइन करने से पहले सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या है वो जरूरी होता है. सक्सेस कैसे मिलती है वो जानना जरूरी होता है. आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वी वांट टू बी सक्सेसफुल? कम ऑन. Fantastic to see all the hands up. Thank you. So this, at this time, I would be very happy. जो भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको scribble करके अपने पास notes में रखेंगे तो मुझे खुशी होगी. Because yes, few thoughts are only available sometime and they stuck you at one time. Feel free to write it down. And the ingredients of success are the 3 D's. Okay, the ingredients of success are the 3 D's. What is those 3 D's? Number one is desire to be successful. हमारे सिद्दीक साहब ने बोला था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सिर्फ बोलने से कोई डॉक्टर नहीं बनता. आप में वो जज्बा होना चाहिए, आप में वो डिजायर होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है. अर्जुन को किसी समय यही पूछा गया था द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिख रहा है. सब लोग बोलते चले गए मुझको पेड़ दिखा, किसी ने कहा मुझे बर्ड दिखी, और उसने कहा नहीं, मुझको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ डिजायर वेर यू डिसाइड आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी मैन, एंड यू डू नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड दैट. वो एक डिजायर इंपॉर्टेंट है. किसी ने पूछा, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट गिविंग द रॉन्ग आंसर, समबडी आस्क्ड कन्फ्यूशियस कि सक्सेस क्या होती है, सक्सेस कैसे पाया जाता है. तो कन्फ्यूशियस अपरेंटली, शायद कन्फ्यूशियस था या सोक्रेट्स थे, कि वो थोड़े से काफी कद्दावर इंसान थे, काफी अच्छे मसल्स वाले थे. तो उन्होंने जिस बंदे ने कहा कि सर आपको सक्सेस कैसे चाहिए है इसके बारे में जाना, मेरे साथ आ जाइए, पानी के अंदर चले गए. वॉक करते करते ऑलमोस्ट वहां तक चले गए जहां तक उनके गले तक पानी था, जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा और सोक्रेट्स साहब ने भी. और जब बिल्कुल ही गले तक पानी पहुंचा, उन्होंने उसका सिर पकड़ करके अंदर डुबो दिया. 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर हर किसी की हालत पस्त हो जाती है पानी के अंदर, उनकी ऑलमोस्ट तड़पने लगे पानी ऑक्सीजन के लिए, बड़ी मुश्किल से बाहर आए. तो उन्होंने कहा सर ये क्या चाहिए, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा बस पानी के अंदर आपको क्या चाहिए था? कहते हवा. हवा के अलावा क्या चाहिए था? कि कुछ नहीं, बस हवा. उसके अलावा कुछ भी और चाहिए था? कहते नहीं, सिर्फ हवा. जब आप अपने फोकस को, सक्सेस को उतनी दम से चाहेंगे जितने दम से आपको हवा चाहिए थी, कोई भी दुनिया में आपको उस मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है. एंड दैट इज व्हाट द डिजायर इज ऑल अबाउट.
desire and second D is dedication. जिंदगी में अगर आपके पास एक dedication नहीं है तो आप नहीं कर सकते. मैंने डॉक्टर चाह तो लिया लेकिन मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता. आप नहीं उस सफलता को पाएंगे. मैं कभी भी साइना नेहवाल मेरे काफ़ी क्लोज हैं और उनके मैं घर जाता रहता हूँ. कभी भी मैं उनको बहुत प्रोग्राम के लिए बुलाता हूँ वो कहते हैं डॉक्टर आशीष आई वॉन्ट टू कम बट मेरे को हर रोज़ 8 घंटे जिम जाना होता है. क्या मुझ मैं ठीक हूँ. मैंने उनको स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन लगाया था एंड फर्स्ट थिंग मैंने कहा था 24 घंटे तक आपको एक्सरसाइज नहीं करेंगे एंड शी वॉज अनकम्फर्टेबल. सर मेरे को जिम जाना बहुत ज़रूरी है. डेडिकेशन के बगैर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते हैं. आपको डेडिकेटेड होना बहुत बहुत जरूरी है. एंड फाइनली डिजायर एंड डेडिकेशन हैज टू बी स्ट्रीमलाइन विद डिसिप्लिन. आई एम वेरी श्योर आपके आस पास जितने भी लोग बैठे हैं शफी साहब है सब लोग बताएंगे जिंदगी में अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी किसी भी मुकाम में नहीं पहुंच पाएंगे. किसी ने पूछा जो परेशान था आजकल की नई जनरेशन है परेशान हो जाती है स्पेशली पेरेंट्स से कि पापा आप लोग मुझको इतना कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं मैं तो बड़ा हो गया हूँ. तो कहेंगे बेटा ये जो नदी है रिवर है उसको हम लोग नदी क्यों कहते हैं. उसको हम लोग और नदी में और एक ओशियन में क्या फर्क है या नदी में और बाढ़ में क्या फर्क है. तो उसका सर नदी में और बाढ़ में ये फर्क है कि नदी अपने जो बैंक्स है अपने किनारे के अंदर ही चलती है और माँ बाप आपकी और मेरी जिंदगी में वो दो बैंक हैं जो आपको और हमको कंट्रोल करके चलते हैं. इन दो बैंक्स की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है. आजकल फेमिनिज्म के जमाने में आकर के और बहुत सी उन्मुक्त यू नो ख्यालात के कारण हम भूलते जा रहे हैं कि हमको अपने सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. टेक माई वर्ड्स देयर वोंट बी अ डे व्हेन वी विल बी रिग्रेटिंग फॉर आवर थॉट्स. उन्मुक्तता जरूरी है किसी भी तरीके की बट हर एक उन्मुक्तता और फ्रीडम के लिए हमको अपने लिमिट्स जानना बहुत जरूरी है. डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो इन 3 D's को याद करके चलना है. डिजायर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. ये तीनों की जरूरत 33% होती है साहब. 33 33 33 99%. एंड टू बी सक्सेसफुल 1% जो है. Any idea? Anybody will tell me what is that 1%? Desire, dedication, discipline. And 1% is direction. And this direction is given to you by your teacher. बहुत 1% ही है लेकिन ये इतना important है. अगर correct direction में गया तो Nobel Prize winner Obama बनाएगा. Obama. और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में गया तो ओसामा बनाएगा. सिर्फ डी और एस का फर्क है. सिर्फ डी और एस का फर्क है. सही डायरेक्शन में गया तो नोबेल प्राइज विनर ओबामा बनाएगा. गलत डायरेक्शन में गया तो ओसामा बिन लादेन एंड द बिगेस्ट टेररिस्ट वी ऑल नो अबाउट इट. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अबाउट सिद्दीकी साहब बता रहे थे सिकंदर महान के बारे में. somebody asked सिकंदर साहब आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड ही सेज I thank my father for my living. I thank my father for my living, but I thank my teacher for my living well. आप लोग बहुत यंग स्टेज में हैं. जब मुझको डॉक्टर बनने की एक बार चाह दिखाई गई थी तो मुझे नहीं पता था डॉक्टर बनना क्या है. शायद आप भी काफी लोग इस समय डाउटफुल में रहेंगे कौन सा प्रोफेशन चूज करें. As a brigadier and everybody of us has appreciated, this platform is one of the best. You can talk to the people and understand ki kahan kaun si direction leni chahiye. Aur in sari cheezon mein aapko correct direction sirf aur sirf maa, baap aur teacher se milegi. Ye teen log jo hain wo sabse badi cheez hai. Personally bolunga khuda se bhi badhkar. और इसलिए बोलूंगा बिल्कुल किसी ने कहा गया क्लियर कट गुरु गोविंद दाऊ दाऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. हमको खुदा से मिलाने वाला हमको हमारे यू नो क्रिएटर से मिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा माँ बाप जो कि टीचर का रोल करते हैं और सिर्फ एक गुरु ही है. इसीलिए बहुत शास्त्रों में भी बोला गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा.
तस गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मोश्री गुरुवे नमः. सो टीचर से ज्यादा बढ़कर के आई वॉज वेरी हैप्पी जब किसी ने कहा डॉक्टर के लिए आधी से ज्यादा लोगों के हाथ उठ गए. एंड देन सिद्दीकी साहब ने जब बोला था टीचर के लिए सिर्फ 3 या 4 हाथ उठे थे. आज आप मुझसे पूछिए फ्यूचर में अगर मेरी फैमिली ना होती है क्या भी मैं बनना चाहूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना चाहूंगा. अगर टीचर से बढ़कर कोई नहीं होता है. डॉक्टर इन wants to be, I must welcome you to become a doctor, because doctor does the big 3 parts: healing, teaching and preaching. Healing, teaching and preaching, and that is what I do. I will close with giving an idea. अभी आप लोग एक prepare हो रहे unguided missiles हो. Prepare हो रहे unguided missiles हो. आपको watch few things in you. आपको कुछ चीजों पे अपनी नजरें रखनी है, कुछ फोकस रखना है. एंड वो वॉच जो रखना है वो है वॉच WATCH. आपको वॉच करना है वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं. हम तो बहुत ही मैं आई एम वेरी श्योर जो आप इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, फिर मैं मलेरकोटला में रहा था, और जब मुझे बताया गया कि हैदराबाद आना है साहब, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था. मुझको पता है अपनी, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में सबसे बेहतरीन लैंग्वेज जो मैंने कहा देखी है वो उर्दू से ज्यादा बेहतरीन. उर्दू से ज्यादा बेहतरीन मुझको लैंग्वेज अभी तक कुछ नहीं लगी. कि आप किसी को बोलिए कि आप हत्यारा हो तो बुरा लगता है, को कहते हैं आप कातिल हो तो अच्छा लगता है. तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस अबाउट द लैंग्वेज. तो मैं वही मूड से आया था साहब कि लखनऊ से आऊंगा, कि अब हैदराबाद मुझे बहुत अच्छी, बहुत और भी ज्यादा बेटर क्वालिटी लैंग्वेज मिलेगी. बट यहाँ पे आके सर बिल्कुल उल्टा हो गया. आप इधर ही बैठ जाओ, बुका लेके आ रहे कि नहीं आ रहे. तो थोड़ा सा मेरा इसीलिए वर्ड्स बहुत जरूरी है साहब जिंदगी में. वर्ड्स का औचित्य बहुत ज्यादा है. एक बार मुंह से निकल गया वापस नहीं आ सकता. आप कुछ भी बोले, आजकल की लैंग्वेज में गली बॉय सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, हम लोग कुछ भी उन्मुक्तता में बोलना चाहते हैं. बट वॉच योर वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल बिकम व्हाट यू स्पीक. ए इज फॉर एटीट्यूड. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से हमारे अभिनंदन साहब को रिसीव किया था, वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. बिकॉज यस, इट वॉज द ड्यूटी टू गिव हिम बैक, बट दे हैड चॉइस टू होल्ड हिम बैक. देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी. जिंदगी में आप कुछ भी गलत करो, लेकिन अगर गलत एटीट्यूड रखा साहब, आप कभी भी जिंदगी के सफलता को नहीं पाएंगे. एटीट्यूड बहुत जरूरी है. देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ देन हैविंग द राइट एटीट्यूड. एंड टी इज फॉर थॉट्स. आप किन विचारों को अपने ऊपर आने देते हो. लोग कहते हैं सर एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है. सिर के ऊपर से बहुत ज्यादा कबूतर और परिंदे निकलते हैं, बट कौन आकर के बैठ करके घोंसला बना जाए वो इंपॉर्टेंट है. थॉट्स कोई भी कुछ भी कहे, आप किन थॉट्स को इनकल्केट करते हो, दैट इज द इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस एंड दैट इज व्हाट योर मेंटर्स टेल यू. सो थॉट्स आर इंपॉर्टेंट. फाइनली कैरेक्टर. यू लॉस्ट योर मनी, यू लॉस्ट नथिंग. यू लॉस्ट योर हेल्थ, यू लॉस्ट समथिंग. लॉस्ट यू हैव लॉस्ट योर कैरेक्टर, you have lost everything. And no, anybody can, should be able to doubt your decisions, but nobody should be able to doubt your intentions. Agar aapke intentions kisi ne doubt kar liye, iska matlab wo aapke character pe doubt karta hai. So losing your character, the way you present yourself, in the way you carry yourself is important. And the final word of the watch is heart. Aapki zuban pe wahi hoga jo aapke dil mein hai. आपके थॉट्स में वही होगा जो आपके दिल में है. दुनिया को आप और मैं कुछ भी बेवकूफ बना सकते हैं, बट आप और मैं अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना सकते. सिर्फ 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा. मेरे 2 बच्चे हैं, 10 और 12 इयर्स के हैं. आज मैं उनको पर्सनली शायद डॉक्टर नहीं बनाऊंगा. एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू दिस. आपको समझ में आना चाहिए, मैं अपने आप को, कोई कहे ना कहे, आई एम फाइन विद इट, मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर मानता हूं. क्यों? क्योंकि यस, एक पेशेंट, खम्मम का पेशेंट जिसको
बॉम्बे में 25 लाख का ट्रीटमेंट देने के बाद कह दिया था ये कोमा में चला गया है, इसको आप वापस ले जाइए, आखिरी सांसों के लिए वापस ले जाइए। पेशेंट का नाम है मिस्टर सुधाकर, वो अभी 25 दिन के ट्रीटमेंट, 25 दिन का ट्रीटमेंट 25 लाख रुपए और आखिरी सांसों के लिए उसको लेकर के आए खम्मम में, और उनके जीजा जी ने कहा डॉक्टर साहब इनको देख लीजिए। मैंने कहा साहब आप 25 लाख खर्च करके चले आए हो, अब यहाँ वो भी बॉम्बे में, यहाँ मेरे हाथ में क्या होता, वो भी पास्टर है मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने कहा साहब जरूर है, कैसे जब तक वो जिंदा है आप कुछ तो करेंगे। मैंने कहा जरूर करूँगा, जब तक सांस है तब तक आस है, तो कोशिश जरूर करेंगे। गए पेशेंट को देखा, प्रेयर करी, मैंने कहा साहब 25 लाख आपने खर्च कर दिए हैं और जो भी ट्रीटमेंट दिया वो सही ट्रीटमेंट दिया हुआ है, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए की एक 10 गोलियां है साहब, 10 गोलियां है जो इनको देनी चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बस ऊपर वाले का नाम लेकर के इन द नेम ऑफ क्राइस्ट लेट्स गिव दिस मेडिसिन, और उनको हमने टैबलेट दी 5 रुपए की टैबलेट है। वो जब आए थे मेरे पास उनका सिर्फ सिर घूम रहा था, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, नाक में ट्यूब डली थी खाना खाने के लिए, और उन्होंने 10-20 दिन से सिर्फ और सिर्फ ट्यूब से खाना खाया था। ट्रीटमेंट दिया मैं चला गया, नेक्स्ट दिन मैं जब आया हूं तो जो इनके सिर के साथ साथ उनके हाथ और पैर घूम रहे थे, सिर्फ 4 टैबलेट थी साहब, हाथ के साथ साथ उनके हाथ पैर घूम रहे थे। 48 घंटे के बाद मैं जब आया हूं उनको देखने के लिए तो वो बैठ करके मेरे अपने हाथ से खाना खा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ कारण फेथ, एक फेथ बहुत जरूरी होता है। आज उसकी फीस मुझे क्या मिली, एक अदनी से एक शर्ट जो उन्होंने प्यार से मुझको आकर के दी थी, कोई भी 1 रुपए भी हम लोगों ने एक्सचेंज नहीं किया था। मैंने अपने बच्चे को यही बताया है, अगर आप पैसा चाहते हो और बहुत जल्दी कमाना चाहते हो तो शायद डॉक्टरी रॉन्ग प्रोफेशन है और आपको नहीं आना चाहिए, शायद मेरे बच्चे इसके लिए यहाँ पे नहीं आएंगे। को चॉइस दी है, मैंने कहा मैं आपको गाइड करूंगा, डायरेक्शन दूंगा, बट चॉइस आप करोगे। और लेकिन आज अगर मुझको दूसरा जन्म मिले और कोई कहे डॉक्टर आशीष कि ऊपर वाला पूछे क्या करोगे, मैं कहूंगा MBBS CMC वेलोर से करूंगा, MD मैं CMC लुधियाना से करूंगा, और वापस जाकर के अपने देश को हैदराबाद की सरजमी पे ही सर्व करने जाऊंगा, और यही मेरा डिसीजन है। डॉक्टर के प्रोफेशन में काफी कॉल्स आते हैं, US, UK और ऑस्ट्रेलिया और गल्फ से मुझको हर रोज आते हैं, सर आप प्लीज यहाँ आ जाइए। मैं कहा सर आप क्या मुझे दे सकते हो, एक बहुत ही सस्ती सी चीज आप मुझे दे सकते हो जिसका नाम है मनी, पैसे। यहाँ पर जब मेरे सामने एक 80 साल का इंसान मेरे पैर छूता है कि सर आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, और उस समय मैं उसे रोकता हूँ, मैं उसको नहीं छूने देता हूँ, लेकिन उसके दिल में वो श्रद्धा है कि डॉक्टर साहब वो पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है। मैं कह सर ये आप मुझको ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है मेरे एशिया में, मेरे इंडिया में, मेरे हैदराबाद में मुझे मिलेगी, और इसलिए मैं जीऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा, कंटिन्यू करूंगा तो डॉक्टर रहूंगा, अगले जन्म में डॉक्टर रहूंगा। With these words, I will come to an end of my session. I would tell you, focus only 3 pillars which will take you forward in life. 2 pillars are mother and father. 3rd one is your teacher or your mentor. And इस समय मैं सबसे प्रणाम करना चाहूँगा शफी भाई और इनके पूरे मैनेजमेंट के लिए following this wonderful program. Thank you. A big round of applause for Mr. Shafi and the whole team. Give up for you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. That was a very, 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 very entertaining session. They have been again filled with energy. Sir, your place. Few questions, sir, with regard to this thing. Sir, how would you, the present day lifestyle, now I would not ask anything with regard to the profession. Few questions for our teachers and others who are here. Sir, what can you just tell me some 4 or 5 lifestyle modifications which you suggest for teachers to be fit? Because if you are absent, the school will be very frustrated. I would again reiterate, please likh le lijiye aap log. 7S se dur rehna hai. Aaj is session hai jo question Shafi sahab ne mujhse pucha, ye aapke mother and father ke liye hai. 7S se dur rehna hai.
दो तीन आपको ऑलरेडी पता होगा. वन इज स्मोकिंग, सेकंड इज स्पिरिट दैट इज अल्कोहल. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ी चीज जो आपको और मुझको खाए जा रही वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस आपको और मेरे को खाया जा रहा है, आपके मेरे माँ बाप को खाया जा रहा है. आप जब कभी बदमाशियां करते हैं, मेरे दोनों बच्चे करते हैं, मुझे खुशी होती है, बट साथ साथ टेक माई वर्ड्स, सडनली मेरा हार्ट रुक भी जाता है. दो बच्चे हैं, एक दूसरे के पीछे कैंची और चाकू के साथ दौड़ते, तो समय मैं बदमाशी नहीं देख पाता हूँ, मुझे डर लगता है. तो बी केयरफुल कि आप अपने माँ बाप को, अपने सीनियर्स को, टीचर्स को स्ट्रेस ना दें. तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको फोकस करना है. फोर्थ एस है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. जो सबसे खतरनाक चीज इस समय आपके और मेरे पास है वो है कुर्सी. जितना ज्यादा आप और हम इसके ऊपर बैठेंगे उतना ज्यादा हमारा हार्ट का, पैरालिसिस का, किडनी फेलियर का चांस बढ़ेगा. यही मैं आपको बताऊं, आप कायदे से देखिए, मैं भी किसी पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन पार्क कितनी जल्दी खुलते हैं? नए नए पार्क खुल रहे हैं, शायद डाउट है. मॉल्स कितनी जल्दी खुलते हैं? हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई नया मॉल खुल रहा होता है. तो आपको और मेरे को देखना है कि हमारे आसपास जो पार्क्स कम हो रहे हैं, विच इज नॉट गुड. सेडेंटरी लाइफ को हम लोग अननोइंगली बढ़ावा दे रहे हैं. कोई भी कहता है सर मैं घर में ही टहल लेता हूँ, घर में नहीं टहल सकते साहब आप. आपको हर रोज एक से दो घंटे सुबह, एक से दो घंटे शाम को टहलना जरूरी है. सो ये स्मोकिंग, स्पिरिट्स, स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तीन दूसरी चीजों से दूर रहना है. शुगर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, जितना ज्यादा मीठा बोलिए बहुत जरूरी है साहब. आजकल साहब खाने में मिठास ज्यादा बढ़ रही है, हमारी बोली में मिठास कम हो रही है, और उसी से प्रॉब्लम हो रही है साहब, उसी से स्ट्रेस आता है, उसी से शुगर आता है. तो शुगर से दूर रहना है, सॉल्ट से दूर रहना है. ठीक है, सॉल्ट को जितनी करेक्ट मात्रा में यूज किया जाए वह जरूरी है. जल्दी से मैं यही चीज बताऊंगा, जितना आपको और मेरे को सॉल्ट पूरे दिन में खाना चाहिए, पूरे दिन में, उतना एक हैदराबादी सुबह ब्रेकफास्ट में खत्म कर देता है. यस यस. एंड फाइनली स्पाइसेस, ऑब्वियसली आपको भी पता है स्पाइसेस से दूर रहना है. जितना ज्यादा मसालेदार बातें होंगी या मसालेदार खाना होगा उतना ज्यादा हमको बिजनेस मिलेगा. सो बी केयरफुल. आई होप दिस 7S विल गिव यू एन आइडिया. एंड फाइनली 8S इज स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए. 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है. उसको कायदे से, कुछ लोग बहुत से रॉन्ग एग्जाम्पल लेकर के कि सब मोदी साहब 3 बजे जगते हैं, मैं भी उस समय ही जग करके उतना काम करा चुकी. नो, हर किसी की आंसरेबिलिटी अलग अलग होती है. हमारी इंडियन आर्मी 3 o'clock काम करती है, DCP साहब आ जाने वाले थे, 4 बजे से जगह पे हैं. हर किसी का एक रीजन है उस समय जगने का. आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है. व्हाट्सएप एंड फेसबुक शाम को 8 बजे बंद हो जाने चाहिए, जितने बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं. And 6 to 8 hours of sleep is very important. I hope I'll stop with that. Yes. Sir, just because आप हैदराबाद की तारीफ कर रहे थे तो मैं हैदराबादी स्लैंग में एक छोटा सा जो बोलते खाका एक शेयर कर रहा था सर. बिकॉज ही इज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट ऑल्सो. तो जनरली हो रहा यह था कि बात यूँ हुई कि जब दावत में गए तो सास और बहू बाजू बैठे थे, टेबल पे खुबानी का मीठा भी आया, डबल का मीठा भी था, 2-3 मीठे थे. तो सास ने क्या किया, कटोरी खुबानी का मीठा यूँ डाला, फिर दूसरी कटोरी जब तो बहू ने रोका, बोला अम्मी नको खाओ शुगर बढ़ती. तो सास सब लोग देख रहे थे, तो सब लोग के दिल में आया कितनी अच्छी ख्याल रखने वाली बहू है सास की. तो सास भी एक आपको तो मारे ना, तो she wanted to keep her अपना बड़ापन रखना चाह रही थी. तो उन्होंने कहा मेरी शुगर खुरबानी के मीठे से नहीं, तुम आउट आ रहे ना उससे बोले. और that was just for a light of home, right? Shall we keep the audience open for questions? Let us quickly take questions.
I would acknowledge the presence of Professor Balakrishna Reddy. Please give a huge round of applause. Registrar, Mansa University of Law, Professor Balakrishna Reddy has spoken his share.